और आइए देखते हैं इस चेतावनी के माध्यम से अजय स्टूडियो एटा की तरफ से ये कार्यक्रम आपको सुनने के लिए मिलेगा। जिस तरह से हमारे इस देश भारत में छोटी छोटी बच्चियों के साथ में जो बलात्कार रेप हो रहे हैं, हमारी युवाओं के लिए ये संदेश है। कब तक ये भारत की बेटी, तो सोच सोच करके मैं दुखी हो रहा हूं। आज ये खबर मिलती रहती है कि कहीं 3 साल की बच्ची के साथ में रेप हुआ, कहीं 8 साल की बच्ची के साथ में। क्या हमारे भारत की यही संस्कृति है? क्या यही शिक्षा है? कि कब तक ये भारत की बेटी पल की बेबी पहचानती रहेगी। कब तक ये भारत की बेटी पल की बेबी पहचानती रहेगी। बहुत ही शर्म की बात है, दुराचारी बने ही युवा देश के, तब तक ये शिशक्ति रहेगी। देश के नौजवानों को क्या हो गया है? हुए हबस के शिकारी युवा देश के, इनकी पोती सभी प्रमित हो गई हो इनकी। शर्म की बात है भक्तों, ना लोग लाज की परवाह रही, न जाने बुद्धि कहां सो गई। और न जाने ऐसे कितने प्रमाण हैं। एमपी के मंगोर में एक 8 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ। उसको छोड़ो, आपने निर्भया कांड तो सुना होगा जो 16 सितंबर सन 2012 में हुआ था। पूरे देश में उस समय तबाही छाई हुई थी भक्तों। पता नहीं इस भारत के नौजवानों को क्या हो गया है। निर्भया कांड देश में सुना तुमने, बेटी वहां पर शिशक्ति नहीं हो तो, वो बेटी वहां पर शिशक्ति नहीं, वो पापी हवस को मिटाते रहे, वो पापी हवस को मिटाते रहे, वो गुड़िया रोती बिलखती रही। अंतिम सांस ली बेटी ने वहां,
श्री राम की तरफ देखो है। जिस समय सुपर था प्रभु श्री राम के पास में गई थी तो कहा था कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी रचय विरंच योग शुभकारी। तो प्रभु श्री राम ने क्या कहा कि हम पारे नहीं विवाहे एक नारी संग में रखते हैं अपनी को छोड़ी और सबको माँ और बहन समझते हैं। यदि उन्हीं राम की बात पर प्रभु श्री राम की बातों पर आज की पीढ़ी चलने लगे तो ये हमारी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फूल बैठे राम कृष्ण की कहानियां लाए अपने जीवन में है वानियां आगे पीछे भी बेटी तुम्हारी क्यों भूल बैठे हो है? आगे पीछे भी आप लोगों की माँ बहन है इसलिए दूसरी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी की दृष्टि से देखो। आगे पीछे भी बेटी तुम्हारी